यमन के सूबा अल हुदैद में एक बार फिर सऊदी अरेबिया ने बमबारी की है और इस बमबारी के नतीजे में बहुत सारे यमनी हलाक भी हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। यमन पर सऊदी अरेबिया की जारियत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा कहना है यमनी हौसी बागियों का। सऊदी इतिहाद ने एक बार फिर मगरबी सूबे अल हुदैदा पर हवाई और मिसाइल हमले किए हैं और इस हमले का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इस बार भी सऊदी इतिहाद ने सूबा अल हुदैदा की हीस और जबीला समेत मुतअद्दिद इलाकों को हवाई हमलों, राकेटों और तोप का निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इतिहाद के जासूस ड्रोन तैयारों को यमन के सूबा अल हुदैद की फजाओं में परवाज करते हुए देखा गया है। इससे कबल यमन के वजीर आजम के मावन खसूसी बराए सलामती और दफाए अमूर जलाल अल रोशियान ने अक्वामे मुत्तहदा और सऊदी इतिहाद की जानब से ना जंग और ना अमन की सूरत हाल बरकरार रखने को एक संजीदा खतरा करार देकर कहा था कि हमारी कुव्वत अवाम और हुकाम के मुबैन इतिहाद है। यमन की आला सियासी काउंसिल के सरबरा महदी अल मशात भी इसी तनाजर में कह चुके हैं कि सऊदी इतिहाद जंग बंदी के मुनज़्ज़म तरीके से खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके नतीजे में जंग बंदी नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची है। याद रहे कि 18 दिसंबर सन 2018 में पहली बार सना और रियाज के मबैन सूबा अल हुदैदा में जंग बंदी पर इतफाक हुआ था, लेकिन सऊदी इतिहाद की जानब से बिला वक्फू और स्वीडन में होने वाली इस जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा यमन की आला सियासी काउंसिल की सरबरा महदी अल मशात ने सूबा 30 में वाके मकबिना महाज का दौरा भी किया है और यमनी हौसी बागियों को ये इनकरेज किया है कि वो लगातार सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक्स करें। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैक्स किए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर और सऊदी अरेबिया का जो अल खालद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन सऊदी अरेबिया के डिफेंस सिस्टम ने समय रहते पहले ही उन ड्रोन को, उन मिसाइलों को, रॉकेटों को रास्ते में ही तबाह कर दिया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि महदी अल मशात ने इससे कबल मोर्चों का दौरा किया है और इससे पहले वो अल हाशा सूबा लहज के क्रश इलाकों में भी जाकर यमनी फौजियों और कमांडरों से बराह रास्त मुलाकात कर चुके हैं। वाजह रहे कि सऊदी इतिहाद ने हमलों के अलावा यमन की नाकाबंदी की है, जिसके नतीजे में इस मुल्क के लाखों अवाम मुख्तलिफ बीमारियों, कहत और मौत के दहाने पर खड़े हैं। सऊदी इतिहाद और किराए के फौजियों ने यमन के स्ट्रैटेजिक जजीरों और तेल के कुदरती जखायर के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, ऐसा कहना है यमनी हौसी बागियों का। यमन के चप्पा चप्पा को आजाद करवाया जाएगा, महदी अल मशात ने एक मरतबा फिर कहा है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम सऊदी अरेबिया के इतिहाद से और इनके मुसल्लत से आजाद निकलने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यमन की मुसल्ला फौज यमनी अवाम के लिए बाइस फखर है और वो इन मुसल्ला फौज की दिलेराना कार्रवाइयों की बदौलत अपने मुल्क के चप्पा चप्पा को आजाद करवाएगी। महदी अल मशात ने मजीद कहा कि यमनी अवाम के खिलाफ दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को खबरदार करते हैं कि यमन के इंसानियत के मसाइल से खलवाड़ और पूरे खित्ते को तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया गया है।